भारत बांग्लादेश मैच में हुआ बड़ा चमत्कार, बांग्लादेश में मच गया हाहाकार, मैदान पर घटी अजीबोगरीब घटना, देखती रह गई पूरी दुनिया। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच चट्टोग्राम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन बड़ा चमत्कार देखने को मिला। इस चमत्कार को देखने के बाद बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा हो गया जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह गए। चलिए आपको बताते हैं कि कब और कैसे घटी यह घटना। बीच मैदान पर घटी अजीबोगरीब घटना। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा। शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली जल्दी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने टीम को संभाला। पंत ने 46 रनों की पारी खेली और फिर पंत भी आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और पुजारा ने मिलकर 149 रनों की साझेदारी कर भारतीय टीम को संभाला। पुजारा 90 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं अय्यर 82 रन बनाकर खेल रहे हैं। दरअसल इस मैच के पहले दिन के तीसरे सेशन में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। बीच मैदान पर हुआ चमत्कार। चट्टोग्राम टेस्ट मैच के पहले दिन श्रेयस अय्यर का बल्ला खूब बोला। इस बीच उन्हें मैदान में नसीब का भी खूब साथ मिला। इबादत हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो जाने के बावजूद भी वो मैदान पर जमे हुए हैं और अपने दूसरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आउट हो जाने के बाद भी श्रेयस अय्यर मैदान पर कैसे टिके हैं, क्या वो गेंद नो बॉल थी? तो आपको बता दें कि वो गेंद नो बॉल भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी, बोल्ड हो जाने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर की पारी जारी है और वो लगातार रन बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इबादत हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो जाने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए हैं, क्योंकि जिस गेंद पर वो बोल्ड हुए थे उनके बोल्ड हो जाने के बावजूद भी स्टंप से गिल्लियां नहीं गिरी, जिसकी वजह से मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इबादत हुसैन के ओवर में घटी यह घटना। यह घटना पारी के 84वें ओवर की 5वीं गेंद पर घटी। श्रेयस अय्यर इबादत हुसैन की अबूझ गेंद को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे और नतीजा ये रहा कि गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकराते हुए पीछे चली गई। इसी बीच वेल्स की लाइट तो जली लेकिन वेल्स जमीन पर नहीं गिरी। यही वजह है कि चट्टोग्राम टेस्ट में अय्यर बोल्ड हो जाने के बावजूद भी मैदान पर जमे हुए हैं और टीम इंडिया के लिए रन बना रहे हैं। जब गेंद स्टंप से टकराई तो बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी खुश दिखाई दिए, लेकिन जब वेल्स नहीं गिरी तो उनकी उदासी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। इबादत हुसैन तो बीच मैदान पर काफी हैरान और परेशान दिखाई दिए। वैसा क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जब गेंद स्टंप से तो टकराती है लेकिन वेल जमीन पर नहीं गिरती। अब अय्यर 82 रन बनाकर नॉट आउट हैं और इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन वो अपना दूसरा शतक पूरा करना चाहेंगे। वैसे इस पारी में अय्यर को दो और जीवनदान मिले जब बीच मैदान पर उनके दो कैच छूट गए। तो ऐसे में लक तो अय्यर के साथ है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लक दूसरे दिन भी श्रेयस अय्यर के साथ रहता है या नहीं। क्या श्रेयस अय्यर इस टेस्ट मैच में अपना दूसरा शतक लगा पाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर अपना शतक पूरा कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।